नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। ये तस्वीरें हैं भगवान महाकाल के नगरी उज्जैन की। उज्जैन में दरिंदों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। उज्जैन की सड़कों पर एक 12 साल की लड़की लहूलुहान स्थिति में भागती रही। खून से सनी अर्धनग्न लड़की लगभग 2.5 घंटे तक उज्जैन की सड़कों पर भटकती रही, लोगों के घरों के दरवाजों पर पहुंची, लोगों से मदद का गुहार लगाया, लेकिन किसी का दिल नहीं बसीजा। कोई भी उस लड़की के मदद को आगे नहीं आया। लड़की पूरे 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही, जिससे मिले उससे हाथ जोड़कर बोलती, कोई मेरे पीछे पड़ा है। मासूम बमुश्किल उज्जैन की सड़कों पर अपने तन को ढकने की कोशिश कर रही थी। मासूम के साथ रेप हुआ था, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। लड़की के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। लड़की दरिंदों से जान बचाकर भाग रही थी। 20 सितंबर की सुबह उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के पास यह 12 साल की मासूम लड़की लहूलुहान और नग्न हालत में पहुंच गई। उसकी स्थिति को देख आश्रम के एक पुजारी ने नाबालिग को गमछा पहनाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग की हालत को देखकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पीड़िता की हालत गंभीर होने के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। लड़की काफी डरी सहमी है, बोलने की हालत में नहीं है। पूछताछ में इतना बताया कि माँ के साथ भी गलत काम हुआ है। लड़की यूपी के प्रयागराज की बताई जा रही है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पाप के आरोपियों को ढूंढने में पुलिस जुटी है। जांच टीमें गठित कर दी गई हैं। लड़की की माँ को ढूंढा जा रहा है। बालिका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बताई जा रही है, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा है कि बच्ची उज्जैन कैसे पहुंची और किसने उस बच्ची और उसकी माँ के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे थे पूर्वांचल खबर।